सो गाइस फाइनली यहाँ पे जिस कंपैरिजन के लिए आप सब यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे बोट की वेव कनेक्ट, इसका मैंने अनबॉक्सिंग ट्रिप डाउन रिव्यू कर रखा है ऑलरेडी, आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। दूसरी बोट की वेव कॉल आने वाली है। दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या कुछ फीचर्स डिफरेंट मिलते हैं, या सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती हैं और दोनों ही मेरे ख्याल से सेम प्राइस ब्रैकेट को टच करेंगी, और बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि बोट की वेव कनेक्ट कब कम प्राइस में आएगी, कब उस लॉन्च प्राइस पे आएगी। लॉन्च प्राइस पे तो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको सिर्फ 2499 रुपये में बाय किया था, और इवन मैंने भी इसको 2499 में बाय किया था। अच्छी वॉच है वैसे, मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया अभी तक, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। बट यहाँ पे बोट की वेव कॉल इससे एक कदम क्यों आगे है वो आपको बताऊंगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही, और बेल आइकन को भी ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। और साथ ही में आप हमारा इंग्लिश चैनल देखना मत भूलिएगा, इसी मतलब सेम मतलब टॉपिक पे ही है, और सारे के सारे जो प्रीव्यूज रिव्यूज़ वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, अनबॉक्सिंग भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, और जिसको हिंदी नहीं आती वो वाला चैनल वो टेक अ लुक कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को बहुत ही जल्दी। डिस्प्ले भी जब आप किसी भी वॉच की देखते हो ना, तो मैं तीन चीज़ें आपको रिकमेंड करता हूँ। पिक्सल साइज देखना चाहिए आपको सबसे पहले, कितना पिक्सल साइज है। दूसरा पर पिक्सल डेंसिटी, शार्पनेस कैसी है। तीसरा पीक ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी कैसी है, सन में दिख जाए कि नहीं डिस्प्ले पे, या विजिबल है प्रॉपरली या नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकते वॉच को चूज़ करने में आप। ऑल दो दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती हैं, सेम डिस्प्ले मिलती है, हू बहू टिपिकल 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ रेज टू वेक अवेलेबल है, और यहाँ पे 20-25 सेकंड तक स्क्रीन ऑन रखने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, बट ऑलवेज ऑन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑलवेज ऑन अगर आप इसमें रखोगे तो अगर कंपनी दे भी दे तो यहाँ पे 4-5 घंटे एक दिन के अंदर ही अंदर पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो फिर कस्टमर्स जो हैं कंज्यूमर जो हैं वो फिर बोलेंगे कि ये क्या दे दिया हमको, राइट। तो इसमें पॉसिबल नहीं है LCD TFT डिस्प्ले में देना। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है, प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, बट यहाँ पे 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, तो शार्पनेस अच्छी खासी है, और अपनी पिक को ऐसे वॉच के साथ दोनों में ही लगा सकते हो, जब आप लगाते हो तो पिक्सलेट नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और 500 यूनिट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, सनलाइट विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों ही लगा सकते हो, अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो यहाँ पे, और इनबिल्ट वॉच फेस भी देखने को मिलते हैं इवन वेव कनेक्ट में। तो वेव कनेक्ट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 वॉच फेस मिल जाते हैं इनबिल्ट इन द वॉच इटसेल्फ, और 2 से 3, मैंने तो 3 अपनी गैलरी में से अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा रखा है, 3 पिक को, तो ये इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेटर है। अदर कंपनीज नहीं दे रही हैं, इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड नहीं करें जिसकी वजह से आप वहाँ पे जो वॉच फेस है उसको स्टोर कर पाओ। वेव कॉल में ऐसा हो सकता है, बट एज सच तो बताया नहीं गया है, क्योंकि कहीं भी डिस्क्रिप्शन पेज पे कितना कुछ इंटरनल मेमोरी मिलती है, क्या मतलब आप इसमें वॉच फेसेस को कितने स्टोर कर सकते हो, और अगर टिपिकल 5 से 6 मिलेंगे तो उतना कुछ खास नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे 10 वॉच फेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसा कि आपको ज़ेब्रॉन्स की ड्रिप में भी मिलते हैं इनबिल्ट, आपको 8 से 9 वॉच फेस मिल जाते हैं। बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स की, तो यहाँ पे वेव करंट में 60 स्पोर्ट्स मिलते हैं, वेव कॉल में एक्जैक्टली बताया नहीं तो हम मल्टीपल मानेंगे, वैसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 से अबव ही मिलेंगे आपको, क्योंकि बोट की वॉच में अगर 700 तक दे सकती है आपको जो स्टॉम प्रो है, तो ऑब्वियसली बात है कॉलिंग में देने में क्या इंतजार है, आराम से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 60 से ऊपर ही वॉच की मतलब स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे देखने के लिए। IP68 की रेटिंग मिल जाएगी यहाँ पे, 1.5 मीटर टू 30 मिनट तक डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है, शावर भी नहीं ले सकते आप, ओपन स्विमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे, क्योंकि 2 वेंट्स होते हैं स्पीकर माइक, वॉच खराब हो सकती है। और इसी के साथ साथ एक्यूरेसी लेवल 85% तक का मिल जाएगा, डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही, HR SPO2 लेवल के लिए आपको, और अदर सेंसर्स की बात करें एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है, रिंगटोन्स आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगी, यस आप रिंगटोन चूज कर सकते हो कौन सी आपको लगानी है, डिफरेंट मतलब 2 से 3 रिंगटोन मिल जाएगी, 2 से 3 मैसेज अलर्ट टोन मिल जाएगी, या इवन आप म्यूट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वाइब्रेशन प्लस रिंगटोन रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, दोनों ही वॉचेज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी, और प्रॉपरली कॉलिंग वॉच है तो स्पीकर माइक का सपोर्ट है, डायल पैड मिल जाता है, प्रॉपरली कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हो, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब भी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में फुल टच पैनल है, स्मूथ नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल,
और एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाता है आपको वेव कनेक्ट में, तो ये बहुत ही बेटर है यहाँ पे, अच्छी तरीके से काम करता है। बट एक चीज़ है, एलेक्सा के थ्रू आप कॉल नहीं डायल कर सकते, नंबर को नहीं डाल कर सकते, वो ऑप्शन नहीं है, मैंने कई बार ट्राई किया नहीं हो पाया। ड्रिफ्ट में अगर बात करूँ, यहाँ पे भी आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, बट एलेक्सा है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, अभी कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। अब नॉइस डिटेक्शन का ऑप्शन इसमें मिल जाता है वेव कनेक्ट में, बट ड्रिफ्ट में, और ड्रिफ्ट नहीं कह रहा हूँ, वेव मतलब बोट की वेव कॉल, इसमें कंफर्म नहीं है मेरे को कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको नॉइस डिटेक्शन का ऑप्शन। आगे बात आती है यहाँ पे एंड्रॉइड या आईओएस से पेयर कर सकते हो। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं। यहाँ पे हल्का सा आप कह सकते हो कि मतलब वेव कनेक्ट में थोड़ा सा मतलब आपका मतलब वेव कॉल में आपका जो यूआई है थोड़ा सा स्मूथ होगा, मतलब 2-3%, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। कस्टम यूआई यूज़ किया गया, लिस्ट वाला और ग्रिड वाला दोनों मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर यूआई मिलेगा आपको वेव कनेक्ट की तरह, और सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिल जाता है। गेस्टर्स का आप यूज़ कर पाओगे अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है वो 300 mAh है, 2B एग्जैक्ट दोनों में ही आपको मिलेगी। 30 डेज का स्टैंडर्ड टाइम है, 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में मिलती हैं। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता वो नहीं पता मेरे को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पेज पे नहीं दिया गया था। 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर, यस पेपर की स्पेक पे 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, मैं अभी अपना यूजेस भी बताऊंगा कितना मेरे को मिल रहा है। वैसे एक्चुअल यूज़ की बात करें एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो आराम से 3-4 दिन चल जाती है, और मेरी भी करीब करीब मेरे तो 1-1 हफ्ते चल जाती है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पहन के सो जाता हूँ कभी कभार, और नोटिफिकेशन फ़ोन के साथ बहुत कम कनेक्टेड रहती है वैसे मेरी। हाँ वैसे मैंने इसको हैवी यूज़ करके एक बार देखा था तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन चली थी ऑन कॉलिंग, कॉलिंग मैंने ऑल टाइम मेरा ऑन था, कॉल बार बार मैं इस पर ले रहा था, तो 1-1.5 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेन फीचर्स की बात करें, HR मॉनिटर मिल जाता है, SP2 मॉनिटर मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाएगा आपको, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, वो है आपकी वर्ल्ड क्लॉक ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च लाइट मिल जाती है आपको, और बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को मैटर करती है, बट ऐसी बात नहीं कि वेव कनेक्ट आपकी बिल्ड क्वालिटी में खराब है, बिल्ड क्वालिटी में ये भी अच्छी है। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बट वेव कॉल नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम की केसिंग फाइनली मिलती है, यस आपने सही सुना, एल्युमिनियम की केसिंग मिलती है वेव कॉल में, और वॉच का जो वेट है वो स्लाइटली ज़्यादा है वेव कॉल का, क्योंकि एल्युमिनियम केसिंग ऑब्वियस सी बात है। 22mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, बट वेव कनेक्ट में इसका अलग ही मतलब स्ट्रैप मतलब वो है मैकेनिज्म, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इन अगर आपको बाय करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वेव कॉल का तो आफ्टर मार्केट का आप कोई सा भी लगा सकते हो 22mm वाला। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है, और मेन बिल्ड क्वालिटी जैसा मैंने आपको बताया वेव कॉल की स्लाइटली ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वेव कनेक्ट। और गाइज आगे एक चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग है जो कहीं ना कहीं वेव कॉल की 2500 से 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है, वेव कनेक्ट आपकी 4000 की तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रही है, फ्लिपकार्ट 3500 रुपये मिल रही है ऑन ऑफर, जो ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट का, आई डोंट नो वो कौन सा ऑफर है, थोड़ा कम तो होना चाहिए प्राइस, और वॉचेस का इतना ज़्यादा प्राइस कर रखा है फ्लिपकार्ट ने, तो 2500-3500 रुपये में वर्थ नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता वेव कनेक्ट। हाँ 3000 रुपीज़ के अंडर आप मिल जाती है वेव कनेक्ट तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, बट वेव कॉल अगर आपको 2500 मिल जाए तो क्या बात है भाई, बल्ले बल्ले हो जाएंगी राइट। तो थोड़ा सा वेट करिए, वेव कॉल आने दीजिए, मेरे ख्याल से ये आपको 2500 में मिल सकती है, बट देखते हैं क्या प्राइस रखता है बोट। अब गाइज यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, देखिए वेव जो कनेक्ट है ना वो कॉम्पैक्ट है, सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कॉम्पैक्ट है, स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज वेस्ट पे परफेक्ट लगती है। वेव कॉल आपकी थोड़ा सा स्मॉल वेस्ट पे जो एकदम थिन वेस्ट है तो उस पे हल्की सी ऑड लग सकती है, क्योंकि मेरे को थ्रू द पिक्चर्स थ्रू ये जो हल्का सा बैनर शोकेस हुआ है उसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ी लग सकती है थिन वेस्ट पे बहुत ज़्यादा, बट नॉर्मल थिन वेस्ट पे सही लगेगी। उसके बाद मीडियम और लार्ज वेस्ट पे तो बेटर है ये। यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी होगी, देखिए मेरे को तो वेव कनेक्ट मिली थी 2500 में तो वैल्यू फॉर मनी है ही, अभी इसका जो प्राइस है 4000 हो चुका है, बट वेव कॉल अगर 2500 में लॉन्च होती है तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है वेव कनेक्ट से, क्योंकि सारे के सारे हूबहू फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बट बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सुधारी गई है वेव कॉल में। और गाइस एलेक्सा की जगह अगर वॉइस असिस्टेंट दिया गया है तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है कि सिरी या गूगल का आप दोनों को ही एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आप मेरे को बताओ दोनों में से आपको कौन सी पसंद है वैसे पर्सनली। वैसे मेरे को पर्सनली वेव कनेक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, मतलब वेव कॉल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, बट कॉम्पैक्टनेस में यहाँ पे वेव कनेक्ट का जवाब नहीं है, और फीचर वाइज ओवरऑल यहाँ पे जो फंक्शंस मिलते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो
तो गाइस ये था मेरी डीप डाउन कंपैरिजन बोट की वेव कनेक्ट वर्सेस बोट की वेव कॉल के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो गाइस मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।